खान साहब पर कातिलाना हमले के बाद और जिस तरह रियासती इदारे इसको हैंडल करते हैं, यानी आप खुद देख लें, एक तरफ गोली खाने वाला अदालत में खुद पेश हो रहा है और मारने वाले का बयान वीडियो लिंक के जरिए लिया जा रहा है। इससे तो नियतों का साफ अंदाजा लगा सकते हैं। आर्मी चीफ को अगर अपने इदारे का वक्कार बहाल रखना है तो फौज और खास तौर पर खुफिया इदारों को सियासी मुदाखलत से बाज रखना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान। पीटीआई चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जहां एक तरफ पंजाब और केपीके में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला करते हुए कारकुनों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इसके साथ साथ वो अपने लिए और मुल्क को लेकर मुख्तलिफ खदशात और अनसर्टेनिटी का भी जिक्र करते रहे हैं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए साफियों से डिस्कस करते हुए चेयरमैन इमरान खान ने अवाम के सामने एक तल्ख सच्चाई बयान की है। कहा है कि जिन्होंने इनकी हिफाजत करनी है, इन्हें इन्हीं से तो जान का खतरा है। मकामी साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब का कहना था कि इनकी फौज या किसी आईनी इदारे से कोई लड़ाई या कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम है और वो पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि ये मुल्क के वसीतर मफाद में है। खान साहब ने हैंडलर्स को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर आर्मी चीफ इनके या इनके अहले खाना के खिलाफ कोई करप्शन के सबूत ले आए तो वो हर सजा भुगतने को तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट के रोल को लेकर मैं भी अपने तजिये में इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ और खान साहब ने भी इसे दोहराया है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपना हकीकी मायनों में अपना न्यूट्रल रोल कायम रखना पड़ेगा और 70 सालों से जारी सियासत में मुदाखलत से अब किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी और यही इसका हल है। जबकि जनरल बाजवा के हवाले से खान साहब और कौम भी क्लियर है कि इनका कोर्ट मार्शल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने हल्फ की पासदारी ना करते हुए उस वक्त की हुकूमत के फैसलों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया, जिससे मुल्क इंटरेस्ट को शदीद नुकसानात पहुँचे हैं। मैं अपने पिछले एनालिसिस में खान साहब के मुख्तलिफ खदशात आपके सामने अपने पिछले वीलॉग्स में रख चुका हूँ, रखता आया हूँ और रखता रहूँगा। खान साहब पर कातिलाना हमले के बाद और जिस तरह रियासती इदारे इसको हैंडल करते हैं, यानी आप खुद देख लें, एक तरफ गोली खाने वाला अदालत में खुद पेश हो रहा है और मारने वाले का बयान वीडियो लिंक के जरिए लिया जा रहा है। इससे तो नियतों का साफ अंदाजा लगा सकते हैं। आर्मी चीफ को अगर अपने इदारे का वक्कार बहाल रखना है तो फौज और खास तौर पर खुफिया इदारों को सियासी मुदाखलत से बाज रखना होगा। इस मुल्क को अगर सही ट्रैक पर चढ़ाना है तो इदारों को अपने डिफाइंड रोल में रहकर ही काम करना होगा। 70 सालों से मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, अब मजीद इसका मुतहम्मिल नहीं। अपने इदारे से डर्टी हैरी और इस तरह के किरदारों को माइनस 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 ही करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आपको बताया था, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इम्पोर्टेंट समाअत 3 मार्च को होने जा रही है, तो इस केस की समाअत हुई। समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस जवादुल हसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जनाब जस्टिस मुनीर साहब ने की। मेरे देखने और सुनने वालों, याद रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग राइट्स के हवाले से दरख्वास्त शेख रशीद और इमरान खान साहब ने दायर की थी। केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत तक तमाम उठाए गए कवानीन और आइनी नुकतों की फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करने का ऑर्डर दिया है। इस केस की अहमियत का अंदाज़ा मैं बतौर एक ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छी तरह लगा सकता हूँ कि कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन का काम कर रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तान के एम्बेसडर का भी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। चाहे जलजला हो, सैलाब की सूरत हाल हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल वक्त में अपने हम वतनों के शाना बशाना खड़े हैं। इस केस से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत सी आस जुड़ी हुई हैं और उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुर्बानियां और कंट्रीब्यूशन के तुफेल इन्हें वोटिंग राइट्स, जो इनका हक है, इन्हें ज़रूर मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।